हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ अप जर्नी। और मैं आपका दोस्त अनिल, और गुड मॉर्निंग साथ में। और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी कुछ काम से। तो मैंने सोचा एक जाते जाते ब्लॉग बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, तो मेरे ब्लॉग को शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और साथ में लाइक भी ज़रूर कर देना। आशा करता हूँ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और शेयर भी कर देंगे साथ में। आज का ब्लॉक होने वाला है गुवाहाटी तक का, तो चलो शुरू कर दिए आज का गुवाहाटी तक का सफ़र। बने रहे मेरे वीडियो पे। और ये है मांजा का तिनाली और पॉइंट, और यहीं से हम लोग का सफ़र होता है शुरू। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे वीडियो पे और देखते रहिए मेरे चैनल को। और यहाँ से है गुवाहाटी तक का सफ़र तकरीबन 245 किलोमीटर, तो अप एंड डाउन मेरे को 490 किलोमीटर तक का होगा सफ़र। तो अभी से स्टार्ट करते हैं इसका ब्लॉग, तो निकलते हैं यहाँ से सीधा गुवाहाटी। बने रहिए मेरे वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, ये है मंजा का बाज़ार, देख ही सकते हो सब सारा बंद है अभी सुबह के 5:30 बजे। यहाँ पे देख सकते हो रास्ता काफी खराब है दूर के पास में। और यहाँ पे धूल वगैरह भी काफी ज्यादा है लग रहा है, रास्ता तो खराब है इसलिए। अरे यार, हर जगह गड्ढा ही गड्ढा। सामने फोर वे बन रहा है और फोर वे इस तरफ से निकलेगा शायद, लंबी टच करके सामने से निकल जाएगा। और ये रास्ता भी अभी फोर वे हो जाने से काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पे। ये फोर वे शायद मणिपुर तक जा रहा है, दिल्ली में शायद ये इंटरनेशनल फोर वे भी हो सकता है। ये वाला फोर वे दिल्ली में आया है, लेकिन ये नहीं पता नहीं इंटरनेशनल फोर वे होने से तकरीबन हमको इंडिया से पार जाने का भी मतलब एक एरिया बन जाएगा इसी रास्ते। तो देखते हैं आगे फोर वे कैसा बनता है, कहाँ तक बनता है। लेकिन तो ये दिल्ली में आया है तो इंटरनेशनल फोर वे हो सकता है शायद। पहुँच
बोपलिया के पास, और ये हाल ही बना हुआ है फोरवे, तो कुछ ही दूर तक है, अपडेट नहीं हुआ अभी तक। और अभी से बज रहे हैं 6:10, और काफ़ी टाइम लगेगा मेरे को घर घूमने के लिए, अभी तो ज़्यादा देर नहीं हुआ है, आधे घंटे ही मैं चला हूँ। तो अभी मैं पहुँच रहा हूँ बकुलिया, अभी तक मैं प्रॉपर बकुलिया नहीं पहुँचा हूँ, और थोड़ा ही दूर है अभी। और देखते रहिए वीडियो पर आगे होता है क्या। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुँच चुका हूँ बकुलिया, और ये है बकुलिया का छोटा सा टाउन, और ये बस आ रहा है जो ऑफ नागालैंड, नागालैंड का बस नागालैंड तक जाने का, तो ये गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है। और ये देखिए जो बकुलिया का छोटा सा टाउन, और दुकान वगैरह भी खुला दिन में गई, वहाँ पे हम लोग नाश्ता कर सके, नाश्ता नहीं कर पाऊँगा लेकिन वहाँ पे खुला के नाश्ता कर लूँगा, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा, तो निकलते हैं आगे। ये देख सकते हो साइन बोर्ड पर तबक का 53991 किलोमीटर, अभी मुझे 9 गाँव को बाईपास कर जाना है। तो फ्रेंड्स, और देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है पूरा इलाका, प्लेन और आगे थोड़ा बहुत पहाड़ भी दिखाई दे रहा है, देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। और आई होप आप लोग मेरा साउंड सुन सकते हो, और अभी मैं तकरीबन 80 के आसपास हूँ स्टेट, और शायद हो सके तो साउंड शायद मेरे ख्याल से कम आ रहा होगा, और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, बन के तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है यहाँ पे फोरवे, और अच्छी क्या बात है। डकमो का पुलिस चेक पोस्ट गेट, और सामने है डकमो का छोटा सा टाउन। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच चुका हूं डब्बो का बाईपास, और यहां से मुझे राइट लेना है। फोर व्हीलर वगैरह के लिए काफ़ी कंपल्सरी हो गया है फास्टैग,
टोल प्लाजा और हम लोग निकलेंगे अभी साइड से। इतना भीड़ तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है भीड़। फ्रेंड्स देखना टोल प्लाजा में क्रॉसिंग से पहले हम लोग फास्टैग जरूर लगा लेना, नहीं तो आपको डबल चार्ज लग सकता है। तो उसके बच्चे आपको 100 के जगह 200 देना पड़ सकता है बिना फास्टैग के। तो फास्टैग लग वाले ना हर एक जगह पर आपको फास्टैग का बोर्ड दिखेगा, तो उसके बाद आपको फास्टैग अवेलेबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच चुका हूं जोराबाद और ये है फ्लाईओवर जोराबाद का। और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो आपको शिलोंग जाने का रास्ता मिलेगा। खाना पारा ब्रिज यहाँ का और यहीं से गुवाहाटी के लिए कितनी दसने के लिए यह रास्ता पकड़ना है हमें लेफ्ट साइड का। और ऊपर तले जाएंगे तो हाईवे सीधा हाईवे निकलते रहेंगे आप, बाईपास निकल जाएंगे गुवाहाटी। और अभी यहाँ से हम लोग को जाना है राइट साइड दरवाजे पर, गोल्ड सर्कल है। अरे भाई क्या बड़ा बड़ा खड्डा है भाई, किसी ने गड्ढा।
तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। मैं पहुंच चुका हूं अपनी मंजिल तक और आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूं। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।